पाठ कर रहा। अगर आप उधर जाएंगे तो इमाम अहमद इब्ने हंबल, चार इमाम फिका में एक इमाम है अहमद इब्ने हंबल, उनको एक आदमी ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो एक शहादत जमा की है उनकी तादाद है 30,000। आपने सोच लिया जाए अहमद इब्ने हंबल ने 20,000 अहमद इब्ने हंबल ने और 10,000 उनके बेटे अब्दुल्ला बिन अहमद ने, उन्होंने हुजूर की अहादीस को जमा की मुसनद अहमद इब्ने हंबल ने 30,000 मेरे नबी के इरशादात एक आलिम ने जमा करके उम्मत के हवाले कर दिए हैं। कहां 250 और कहां 30,000 एक आदमी, बाकी सिहाय सित्ता हदीस की दीगर किताबें, ये तो हिंदुस्तानी आलिम है अलामा अली मुत्तकी अल हिंदी, इन्होंने जो किताब लिखी है उसमें 52,000 हुजूर के इरशादात और अफआल को अपनी किताब में जमा है। जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह वो बैठे, उन्होंने कहा मैं हदीस से जमा करता हूँ जो कुछ भी हुजूर ने फरमाया है मैं उस सब को जमा करूँगा। 72,000 हदीस से उन्होंने जमा की और उनका वक्त आ गया और वो दुनिया से तशरीफ ले गए। बहुत बड़े आदमी थे अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती ने, किसी उमरान पर की किताब नहीं छोड़ी उन्होंने न लिखी हो। दुनिया में 1400 सालों में दो आलिम ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने सिहाय सित्ता में से हर किताब की शरह लिखी, बुखारी की, मुस्लिम की, तिरमिज़ी की, अबू दाऊद की, इब्न माजा की, नसाई की, तमाम सिहाह सित्ता में हर हदीस की किताब की शरह लिखी है। ये आपको समझ नहीं आएगी कि मैं बात कर रहा हूँ, ये इन उलमा को समझ आएगी कि इन इतनी जखीम किताबों की शरूहत लिखना ये कितना बड़ा काम है। ये इस उम्मत में दो उलमा ने किया है जिन्होंने छः की छः किताबों की शरूहत लिखी है, एक अलामा जलालुद्दीन सुयूती है और एक आपके सिंध के आलिम थे अलामा मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब सिंधी जो यहाँ से हिजरत करके मक्का मुकरमा तशरीफ ले गए थे। एक एजाज उनको हासिल है, यानी पाकिस्तानी आलिम को यह एजाज हासिल है कि उन्होंने हदीस की छः किताबों की शुरुआत की। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की जगह आपके इमाम अबू दाऊद बलोचिस्तान के थे, सिहाय सित्ता में भी एक आलिम आपके इलाके का है, अल्लाह ताला ने उनको यह एजाज बख्शा है। बात कहते हैं वो ईरान वाला बलोचिस्तान था, पाकिस्तान वाला था बलोचिस्तान ही, अगर ये नहीं था तो वो भी हमारा पड़ोसी है, अल्लाह ने इस इलाके को ये एजाज बख्शा है। अलामा अली मुत्तकी, मैं आज ये कह रहा था अलामा मखदूम हाशिम खटमिसंदी ने एक पूरी किताब लिखी है और उर्दू में भी वो आ गई है, उस पुरानी है, हजरत बहमनी ने उसका मुनैमा किया है। ऐसे नबूवत के माह और साल के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत साल और महीनों के पास कि आपने पहले साल क्या क्या अमल किए, पहले साल क्या क्या वाकयात पेश आए, उस वक्त कौन मुसलमान हुआ, कौन फौत हुआ, कौन पैदा हुआ, हुजूर ने